ये 400 वर्ष पुराना है। 1931 में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था तब ये नाम हमको वाल्मीकि दिया गया था। इससे पहले 1931 से पहले वाल्मीकि शब्द हम लोगों में प्रचलित नहीं था। ये बाबा साहब की देन है कि उनके आंदोलन के बाद हिंदुओं ने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए हमें वाल्मीकि शब्द का सहारा उन्होंने हमारे लिए ढूंढा। लेकिन सर आज दलित समाज कहा जाता है, दलित समाज की भी एक रेड डल चुके हाई कोर्ट के अंदर कि इसको सिर्फ बहुजन समाज बोला जाए, न कि अभी आपने देखा होगा पीछे कुछ लोगों ने इस तरीके की टिप्पणी की कि एक शब्द को लेकर, लेकिन आज भी देश आज़ाद है 70 साल के बाद भी आज भी हम लोगों की वही स्थिति है। देखिए बहुजन शब्द जो है ये वास्तव में सराहनीय कदम है। आज अगर दलित राजनीति हमारी अधिक आगे गई है तो वो बहुजन के ही नाम से गई है। दलित राजनीति का मुख्य जो उद्देश्य है वो बहुजन ही होना चाहिए और बहुजन ही हमको दलित राजनीति को आगे ले जा सकता है और बहुजन ही प्रधानमंत्री बना सकता है। मलुकचंद जी आपने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं समाज के लिए? देखिए मैंने सबसे पहले जो लिखी वो लिखी मैदा पर था, फिर मैंने लिखी शिवर में जिंदा दास, फिर मैंने लिखी नरक सफाई, उसके बाद में लिखी मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि झूठन के दो चेहरे, उसके बाद में मैंने जो है लिखी कन्हैया लाल वाल्मीकि, उसके बाद में मेरी पुस्तक आई है बीपी मौर्य, और इसके बाद में मैं राम रखामल लिख रहा हूँ और उसको लिखने में मुझे 2 वर्ष और लग जाएंगे। कौन सी किताब? राम रखामल जी। राम रखामल जी कौन थे? राम रखामल सफाई कर्मचारियों के बहुत बड़े लीडर थे जी। उनकी जीवनी को मैंने इकट्ठा किया है और अब उसको मैं लिख रहा हूँ। मलुकचंद बेनीवाल जी आप ये जानते हैं कि जो पहले मात्र 2 आयोग थे, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, लेकिन आज अभी 3रा आयोग बना दिया गया है, सफाई आयोग, क्योंकि लोगों को जो बांट दिया गया इस तरीके से। देखिए सफाई मजदूर आयोग को बनाया इन्होंने, एक ये सिर्फ ये ढकोसला है। सफाई मजदूर आयोग को किसी को भी इन्होंने ऐसी पावर नहीं है दी है कि किसी अधिकारी की अगर वो बात नहीं सुनता है या अपने ऑफिस से नहीं आता है तो उसकी गाड़ी उठाने तक का भी हमको इन्होंने सिफारिश में नहीं जोड़ा है। हम ये चाहते हैं जो अधिकारी हमारी बात ना सुने उसकी तुरंत गाड़ी, जिससे सरकारी गाड़ी मिली हुई है उसे क्रेन से उठा करके आयोग में लाई जाए, तब ऐसी शक्ति बनेगी तो इस आयोग से कुछ उम्मीद की जा सकती है, वरना अभी कोई खास उम्मीद नहीं की जा रही। कागजों तक सीमित है, कागजों तक सीमित है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, कोई भी आयोग बने वो सिफारिश ही ना हो, वो सिफारिश ही ना हो। आज कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने अपने बना दिए, बीजेपी की सरकार आई तो उसने अपने बना दिए, और किसी की पार्टी सरकार आए तो उसने बना दिया। मैं चाहता हूँ इसका एक सर्वेक्षण हो और उस व्यक्ति को इसका चेयरमैन बनाया जाए जो कम से कम सफाई कर्मचारियों की डिमांडों के बारे में पूरी जानकारी रखता हो। सिफारिशी सदस्यों को हटा दिया जाना चाहिए। सर आज भी कहा जाता है कि जो सफाई कर्मचारी हैं या तरह तरह से नाम लिए जाते हैं, आज देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए, आज भी प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है। देखिए वो भी आए, मैं एक बात बता दूं, 3 मार्च को या 11 मार्च को हम दिल्ली के रामलीला मैदान में तमाम भारतवर्ष के सफाई कर्मचारियों को इकट्ठा करने जा रहे हैं। 3 मार्च को या 11 मार्च को, और हम आपके चैनल से बताना चाहते हैं उस सफाई रामलीला मैदान में जो हमारे सुभाष खैरालिया जी हमारे अध्यक्ष हैं जिनके नेतृत्व में जो आंदोलन होगा उसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को नहीं बुलाया जाएगा। उसमें बुलाया जाएगा PCS, IPS, जो भी वाल्मीकि समाज के विद्वान लोग हैं उनको हम बुलाने का काम करें और उसमें पोल खोलेंगे, पूरी पोल खोलेंगे। और वो सम्मेलन हमारा 8 घंटे का लगातार चलेगा, 8 घंटे तक लगातार बहसबाजी होंगी। धन्यवाद।